गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज ऐसी टॉपिक करांगे, पहला टेस्ट ठीक है डिस्कस करांगे, सेकंड वाला उस तो बाद बेटा लिंक वालों ते टाइम होया ते एनडीटी काव टुकड़ी ते भाई वीर सिंह दे बेटा 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है मैं देखे हैं ठीक है लिखवावांगे। ठीक है भाई वीर सिंह ने क्वेश्चन लिखवाए से ना बेटा 1 मार्क्स वाले, ठीक है 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं ते वो अपन लग करांगे। ठीक है पहला अपन टेस्ट डिस्कस करते हैं। ओके फर्स्ट क्वेश्चन सी बेटा, वेमी ताया वार्ता लेख किसका लिखा हुआ है? यस गुशान, गुशान उबा सिंह। यस किसका लिखा है? ऐसे वेमी ताया सूबा सिंह दा, बलराज साहनी किसका लिखा हूं तू भी बोल दे, बलराज साहनी ने केड़ा लिखा है? हाँ बलराज साहनी का मुंह वेख्या पिंड है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताया मनसा राम केड़ी हकीम का नाम लेंदा है? ऑफलाइन विचो रेज योर हैंड। हाँ सेकंड है करताल चंद। नहीं बेटा ये टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, भले सेकंड वाला टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद लिंक वालों करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, दुनिया विच किस बीमारी का इलाज नहीं? वह जी हम सारे इकट्ठे बोले मुझे देखना। नेक्स्ट है, डॉक्टर ने ताया मनसा राम को कितने पैसे ले सी? 60 रुपए, 60 रुपए। नेक्स्ट है, ताए मनसा राम ने केड़े हलवाई दी हट्टी दे चाह पीती सी? जी हाँ बेटा, हाँ किसने हलवाई दी हट्टी दे? नेक्स्ट है, घोड़िया दिल्ली दुपर डिगन नाल ताया मनसा राम नु केड़ी बीमारी होने का डर लग गया? आ जा वहम पै गया, बोल बेटा। हाँ टेटनजा। नेक्स्ट है, सही शुद्ध शब्द चुनो, पराया वाला स्पेलिंग सी पराया, पर्या पराया, ये क्या वाला वर्ड सी? ठीक है इका सी दो होर से, ठीक है ए वाला, ठीक है ठीक है आ वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है पराया। नेक्स्ट है, सही शुद्ध शब्द चुनो, आराम सी आराम, आरंभ के आरंभ आराम, ठीक है डबल करने वाली इको करने वाला, ठीक है आराम जेड़ा इको करना पैंदा सी। नेक्स्ट है, पंछी डैश किथे पौन? फर्स्ट है आलना पैरी हाहे वाला, सेकंड है आलना बिना हाहे तो, बसेरा उपरोक्त सारे, बोल आलना ठीक है पैरी हाहे वाला आलना। ठीक है नेक्स्ट है, डैश के काम करो, आराम सोच समझ जजे नाल, सोच समझ चजे नाल, सहज सोच समझ चजे नाल, सोच समझ के। केड़ी वर्ड भी सी आराम के काम करो, फिर पूरा सेंटेंस पढ़ना है ठीक है फिर ही आंसर देना, क्योंकि के वर्ड सी ये के ना होता फिर आ सकता सी। ओके नेक्स्ट बेटा हूँ असं लिंक वालों करा। ओके बेटा अगे तुम 6, 7, 8 तक लिंक वालों सिंपल करते आए हो, पर उस तो इलावा भी बेटा कुछ अजिहे शब्द है जिन्हां दे पुलिंग दा स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है स्त्रीलिंग दा पुलिंग नहीं है, ठीक है वो किसना पता लगेगा वो आपा सेंटेंस बना के देखते हैं। ठीक है एक तो तुम सिंपल एक पेज तो सिंपल वाला है जिवें तुम करते आए हो 6, 7, 8 दे विच, ठीक है एक इस तरह दे बेटा लिंग वाला है जिन्हां दा पुलिंग दा कोई स्त्रीलिंग नहीं हुंदा, ते कई स्त्रीलिंग शब्दां दा कोई पुलिंग नहीं हुंदा, ठीक है वो किसना पता लगते हैं। ठीक है कुछ तो मैं तुम्हें वर्ड लिखवा दांगी, ये कुछ शब्द लिखावांगी दसांगी पुलिंग का सीधा स्त्रीलिंग नहीं है इना स्त्रीलिंग का पुलिंग नहीं है, पर फिर भी कोई होर शब्द आ जाए ठीक है तुसी उस शब्द का सेंटेंस बना के देख सकते हो, सेंटेंस तो पता चल जाता है कि ये पुलिंग शब्द है या स्त्रीलिंग है। ठीक है उत्थे पूछा जाएगा कि शब्द स्त्रीलिंग है पुलिंग है या ये दोनों हो सकते हैं या कोई भी नहीं, ठीक है इसलिए तुम जो सेंटेंस बनाओगे ना शब्द के
पता लगेगा कि यह वाला शब्द स्त्रीलिंग च है, ठीक है, पुलिंग दे विच या एदा स्त्रीलिंग नहीं बन सकता, ठीक है, वह शब्द तुहानू करवावांगे। पहला आपां सिंपल वाला पेज पढ़ांगे, ठीक है, उस तो बाद असीं उह वाले शब्द करांगे जिन्हां दा पुलिंग शब्द आ रहा स्त्रीलिंग नहीं बन सकता ते स्त्रीलिंग दा पुलिंग नहीं बन सकता, ते उह पता किदां लगणे आ उह असीं सेंटेंस बना के देखांगे, ठीक है। जे सेंटेंस बनाओगे प्रैक्टिस करोगे तां ही तुहानू पता लगेगा, नहीं तो नहीं समझ आएगी ओले, ठीक है। ए वाले तो सिंपल वाले चाहे सुन लेना, ठीक है, जो मैं लिखावांगी ना स्त्रीलिंग वाले या पुलिंग वाले ओ वाले शब्द तुसी अपनी फियर नोटबुक पे ते रफ नोटबुक पे नाल नाल नोट करने, ओके, क्लियर बेटा? सबनों ऑनलाइन वाले बच्चे भी क्लियर बेटा? बाद चो असाइनमेंट तुम करवावांगी किस तरह आनी, ठीक है, पेपर किस तरह आने, दो कट्ठे दिते आने, एक एक नहीं दिता आना, ठीक है, दो कट्ठे दिते आने ये जरा जोड़ा है सही है कि नहीं गलत है, ठीक है, इस तरह आने। फर्स्ट है नी लगा के नाने नु बिहारी भगत भगत नी उस्ताद उस्ताद नी नाने ना, ठीक है, कुड़म कुड़मणी, ठीक है, सिर्फ तुम इन्ना याद रखना अभी भी तुम करवाया होना है राड़े तो बाद, ठीक है, नन्ने नु बिहारी आती है या नन्ना आंदा है, ठीक है, दसिया ना शुद्ध करो दे विच भी बा चाहे लिंग बदलो हो चाहे शुद्ध करो हो कई बार नन्ने ते नाने दे विच भुलेखा पैंदा है, ठीक है, भी नन्ना आना है ते नाना आना है, ठीक है, राड़े तो बाद ते शुद्ध करो ते नाने तो बाद, ठीक है, ते लिंग बदलो चाहे राड़ा फिर दा वर्ड है या राड़ा है दोनों च कोई भी शब्द है, ठीक है, पर कोई मात्रा नहीं है उहदे विच, कोई मात्रा नहीं है, कन्ना नहीं है, ठीक है, जे कन्ना होएगा तो फिर नन्ना नहीं आएगा, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है, इन्हों दोनों शब्दों के बाद नी या ना आंदा है, ठीक है, लिंग बदलो विच भी शुद्ध करो विच पर कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसे तरह भगत भगत नी, ठीक है, खीर ते तत्ता है फिर नाना ही आएगा, कई बार होंगी ना कन्फ्यूजन नन्ना आना है कि नाना आना है, ठीक है। नेक्स्ट है उस्ताद उस्तादनी कुड़म कुड़मनी महंत महंतनी भगत भगतनी राग रागनी सिख सिखनी मास्टर, अच्छा मास्टर मस्तराणी भी ठीक है ते मास्टरनी भी ठीक है, ठीक है, खाली ते मस्तराणी लिखे ना मास्टरनी वर्ड भी ठीक है, रारे तो वर्ड कोई कन्ना ना पाके नन्ने नु बिहारी, ठीक है, दोनों शब्द करेक्ट है, ठीक है, मास्टराणी भी ते मास्टरनी भी लिख लो चाहे मास्टरनी संत संतनी नाग नागनी राजपूत राजपूतानी सप सपनी पंच पंचनी जेठ जेठानी शाह शाहनी पील पीलनी वकील वकीलनी ऊंट ऊंटनी सरपंच सरपंचनी। नेक्स्ट है सूर सूरनी, हुण देखो अखीर ते रारा वर्ड आ गया, रारा है ना, हुण इहदे नाल की बणा नन्ना, ठीक है, जिदे पिछे की ते रारा शब्द आएगा उहना नन्ने पर, ठीक है, ठीक है, इना दोनों तो इलावा कोई भी शब्द आए आप नाने नु बिहारी खानी इना दोनों तो इलावा, ठीक है, हुण आपां नन्ने नु बिहारी वाले सूबेदार सूबेदारनी हुण अखीर ते रारा है इत्थे भी नन्ने नु बिहारी, बस इना दोष आ दो अक्खर याद रख लो नन्ने नाने दी कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है मोर मोरनी जथेदार जथेदारनी होलदार होलदारनी फकीर फकीरनी शेर शेरनी जादूगर जादूगरनी सेवादार सेवादारनी थानेदार थानेदारनी बाजीगर बाजीगरनी सरदार सरदारनी ठेकेदार ठेकेदारनी हिरन हिरनी जेलदार जेलदारनी। नेक्स्ट है कन्ना लगा के ये उपदेशक उपदेशिका, जबकि हिंदी में उपदेशिका पाने कई बार भी कन्फ्यूजन पाठक दे पाठिका पा देंगे लेखक दे लेखिका पा दो नहीं, ठीक है, सिहारी की मात्रा नहीं आनी सीधा फिर से कन्ना आना है, ठीक है, कई हिंदी होंगे पाठक पाठिका लेखक लेखिका उपदेशक उपदेशिका उदो आप जी मात्रा पाने ही पाते ना, पर पंजाबी दे विच सिहारी नहीं पैनी खाली कन्ना पैना, ठीक है, उपदेशक उपदेशका कला कन्ना बिंदी भी नहीं पानी संपादक संपादका साहेब साहेब का मेम करो बेटा उत्थे साहेबा लिखा होया साहेब का मेम भी आ सकता है साहेब का मेम नाल साहेब मेम गायक गायिका
अध्यापक अध्यापका, निर्देशक निर्देशका, लेखक लेखका, पाठक पाठका, नायक नायिका। नेक्स्ट है कन्ना ते नील गाके, सेठ सेठानी, तुरक तुरकानी, पंडर पंडताणी, हिंदू हिंदुआणी, जेठ जेठानी। दूसरा जेठानी गलत है, दूसरा जी ठाणी वाला वर्ड गलत लिखे हुआ है, कट दो। जिन्हें असी हारी पाई है ना गलत है, यह वाला वर्ड कट दो जिन्हें असी हारी पाई है, ठीक है वाला वर्ड कट देना, ठीक है तेरे ला वाला ही आना है। ओके जेठ जेठानी। नेक्स्ट है दियोर दियोरानी भी ठीक है, दरानी भी ठीक है, दोनों वर्ड ठीक है। प्रोहत प्रोहतानी, मुगल मुगलानी, डॉक्टर डॉक्टरानी भी ठीक है, डॉक्टरनी भी ठीक है। एवी वर्ड लिख लो ना, ऑप्शन चार सौ का, ठीक है डॉक्टरनी फिर नन्ने ना आएगा, उन दोनों वर्ड दे के भी लिख सकते हो प्रॉपर दोनों, ठीक है डॉक्टर डॉक्टरनी, नौकर नौकरानी, मास्टर मास्टरानी, चौधरी चौधरानी। नेक्स्ट है री या की लगा के, संदूक संदूकड़ी राड़े नाल, छाबा छाबड़ी, छाबा मतलब टोकरी फ्रूट वगैरह बेचता है, बाल बालड़ी बच्चे नु कहंदे है, खंभ खंभड़ी, पग पगड़ी, सूत सूतड़ी। पगड़ी दे अद्दक नहीं आनी, हुण भी ध्यान रखना है, हुण पग दे अद्दक पई पगड़ी दे नहीं आनी, अच्छा चम चमड़ी, ढोल ढोलकी। नेक्स्ट है कन्ने था ते बिहारी लगा के, जिवे चाचा चाची, घोड़ा घोड़ी, दादा दादी, ठीक है ना सिंपल है कर लोगे, ठीक है। हुण असीं उह शब्द करांगे जिन्हां दे पुलिंग दे सिर्फ, ठीक है स्त्री लिंग नहीं बन सकते या स्त्री लिंग दे पुलिंग नहीं बन सकते। पंजाबी विच कई शब्दां दे सिर्फ, कई शब्दां दे सिर्फ पुलिंग ही हुंदे हन, स्त्री लिंग नहीं। अपना शब्द लिखांगे पुलिंग वाले, जो केड़े केड़े शब्द है, शब्द लिखो बेटा, आकाश लिखवा रही है, लिखने का शब्द आकाश सूरज, ये इन्होंने शब्दों के अपना सेंटेंस बना के देखा किस तरह यह पुलिंग है, ठीक है स्त्री लिंग क्यों नहीं है, ठीक है पहले शब्द लिख लो फिर सेंटेंस बनावांगे, ठीक है। क्रोध चन तेल लोहा हंकार शीशा मीर। सेंटेंस बना के देख दे, ठीक है हाँ। कुदरत प्यार मिही हूं देखो इन्हों शब्दों सेंटेंस बना के देख दिया, क्यों कहा गया कि इन्होंने शब्दों का सिर्फ पुलिंग स्त्रीलिंग क्यों नहीं। कोई एक स्टूडेंट फर्स्ट वर्ड का कोई सेंटेंस बनाओ, ऑनलाइन से ऑफलाइन बनाओ बनाओ बोल, अज आकाश मिले ना, चल होर हाँ एनी अदर स्टूडेंट, हाँ बेटा आकाश वड्डा है, हाँ ठीक है ऑनलाइन विचो एनी स्टूडेंट बेटा सेंटेंस बनाओ, हाँ एक सेकंड हूँ आकाश का आप सेंटेंस बनाने, जो आकाश वड्डा, आकाश बहुत वड्डा होता है, ठीक है या आकाश आज आकाश साफ नजर आ रहा है, ठीक है हूँ पीछे देखो रहा है रही वर्ड कहीं ना आ रहा, आ रहे रही
ਭਾਵ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀਦਾ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਵ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੀਲਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇਮੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੀਲਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿ ਦਨ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿੰਗ ਅੱਛਾ ਧਰਤੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਣਾਓ ਧਰਤੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਕੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਵੈਸੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਚ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਜ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਪੁਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਧਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਚ ਹੀ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਜ ਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਾਵਾਂਗੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ नेक्स्ट क्रोध हाँ क्रोध विनाशकारी है क्रोध खतरनाक है ठीक है क्रोध हाँ क्रोध क्रोध करना चंगी गल नहीं है ठीक है भाव की जो सारे जो सेंटेंस बन रहे हैं वो पुलिंग के रूप में बन रहे इसी लिंग में नहीं बन रहे ऑनलाइन वाले बच्चे चन्न शब्द का बनाओ बेटा चन्न का हाँ घ्यो तो चन्न का बनाओ ऑनलाइन वाले ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤਨਵੀਨ ਤਨਵੀਨ ਯੈਸ ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਹਾਂ ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ ਭਾਵ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ ਤੇਲ ਦੇ हंकार माड़ा हुंदा है हंकार करना सेहत लई हानिकारक है ठीक है सानू हंकार नहीं करना चाहिदा करनी ना बड़ा है करना है ना हंकार नहीं करना चाहिदा समझ आ रही ਬੇਟਾ ਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਥੋੜੇ ਲਿਖ ਲੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ 9 10 ਦੋਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਾਰ ਗਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ नेक्स्ट है मीह वा रहा है ठीक है मीह वा रहा है की होएगा मीह शब्द की है फिर पुलिंग है भाव की दा स्त्री लिंग नहीं है क्लियर है बेटा सब कुछ शब्द क्यों पुलिंग है स्त्री लिंग क्यों नहीं है एनी डाउट बेटा ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਆਦਰ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਫਿਰ ਚ ਆਏਗਾ ਆਦਰ ਚ ਆਏਗਾ ठीक है वड्या दा आदर करना चाहिदा है हिम्मत उस विच बहुत हिम्मत है हिम्मत ना हारो हिम्मत हिम्मत नहीं हारनी चाहिदी अभी इसी लिंग च बन रही है हिम्मत नहीं हारनी चाहिदी ठीक है धरती दा पता ही है ठीक है आग दा बनाओ आग दा विकार सोनी है
कार चल रही है या कार खराब हो गई है, इसे तरह हवा हवा चल रही है, ठीक है, हवा हवा चल रही है, हवा बंद है, मिठास मिठास, सन मिठास मिठास, सानू हाँ सानू सारे सानू दू छोटिया नाल या वड्डिया नाल मिठास नाल गल करनी चाहिए है, ठीक है। नेक्स्ट है रेत, आके देख लेने हैं, हाँ हाँ इना शब्दा रे बेटा तुसी सेंटेंस बना के देख लेने हैं। जिस सेंटेंस दा स्त्रीलिंग ना बने वो पुनः पुलिंग विच है, जिन्हा शब्दा दा पुलिंग ना बने वो स्त्रीलिंग दे विच है, ठीक है। ते थानू क्लियर ही हो जाने भी इहदा स्त्रीलिंग है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपा 6 7 8 विच काफी आपा लिंग वालों कीते ही है। क्लियर है बेटा, समझ वाला टॉपिक क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है बेटा सबनों। ए बेटा तुसी अपनी फेयर नोटबुक दे, ठीक है, ग्रामर पार्ट्स करने हैं, सिर्फ ए वाले शब्द लिख लेने हैं, ठीक है, 5 6 शब्द ए लिख लेना आते हैं। हाँ एक क्वेश्चन भी आंदा आंदा है, डेफिनेशन परिभाषा, ठीक है, लिंग लिंग वालों की परिभाषा की डेफिनेशन है कि जिन्हा शब्दों तो, हाँ बेटा बोल जी बोल बेटा, परिभाषा लिंग वालों की, चल मैं बोल दी हाँ, जिन्हा शब्दों तो, ठीक है, नर या मादा दे पास दो जा, जिन्हा शब्दों तो नर या मादा दी या पुलिंग या स्त्रीलिंग दे होने बारे पता लगे, ठीक है, जिन्हा शब्दों तो गुरपाल बेटा, जिन्हा शब्दों तो पुलिंग या स्त्रीलिंग दे होने बारे पता लगे उन्होंने आप की कहने लिंग वालों कहने, ठीक है। डेफिनेशन भी जोड़ा कि एमसीक्यू से आप लिखा आसा स्त्रीलिंग थले पुलिंग थले दोनों कोई भी नहीं, ठीक है, हुण की होणगे फिर दोनों ही होणगे डेफिनेशन, ठीक है, जिन्हा शब्दों तो लिखो डेफिनेशन, जिन्हा शब्दों तो स्त्रीलिंग ते पुलिंग, जिन्हा शब्दों तो स्त्रीलिंग ते पुलिंग दे भेद बारे पता लगे उन्हां नूं लिंग वालों कहा जाता है, ठीक है। डेफिनेशन लिख ली सब ने, ते ए भी तुहानूं बेटा एमसीक्यू दे विच आ सकदी, ठीक है, जिन्हा शब्दों तो स्त्रीलिंग या पुलिंग या नर या मादा भी कह दें अपन, नर या मादा, नर या मादा, नर मतलब पुलिंग, मादा मतलब स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग या नर मतलब पुलिंग, मादा मतलब स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग या पुलिंग, ठीक है, दे बारे पता लगे, ठीक है, उस मापा की कहने लिंग वालों कहने, क्लियर है वाला टॉपिक सब नू, ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है पुत्र, ओके बेटा।